प्रकाश चौधरी के परिजन धरने पर बैठे, सरकारी नौकरी प्रतिमा और नाम पर सड़क बनवाने की मांग की। जी हां, आपको बता दें, असम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी का परिवार आज कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गया। इस दौरान शहीद आकाश के परिजनों ने सरकार और प्रशासन से उसकी एक प्रतिमा, एक सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर सड़क बनवाने की मांग की। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे शहीद आकाश चौधरी के परिजनों के हाथ में मांग लिखे पोस्टर और आकाश का एक फोटो है। जैसे ही 10 बजे कलेक्ट्रेट का गेट खुला, शहीद के परिजन भीतर पहुंच गए और कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर बैठ गए। बता दें कि मेरठ के रहने वाले लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी असम के कोकराझाड़ में ऑपरेशन के ट्रेनिंग के दौरान 16 जुलाई 2020 की रात पहाड़ी से गिरकर शहीद हुए थे। आकाश के परिजन मेरठ में कंकरखेड़ा के सिल्वर सिटी में रहते हैं। शहीद के पिता केपी सिंह ने बताया कि बेटे की शहादत की बात से कोई भी उनका और उनके परिजनों का हाल चाल पूछने नहीं आया। उन्होंने बताया कि जिस समय आकाश का शव मेरठ लाया गया, उस दौरान सिखलाई रेजिमेंट के कमान अधिकारी कर्नल प्रताप सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अब धरने पर बैठे पिता केपी सिंह, माता कमलेश और दोनों बहनें शिवानी व प्रियंका ने कहा है कि उस दिन के बाद से आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। आकाश के चले जाने के बाद से उनका परिवार बिखर गया है। केपी सिंह ने कहा कि हमारा जवान बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, सरकार को और प्रशासन को हमारा ध्यान रखना चाहिए। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की खास रिपोर्ट। माँ बाप बाल पोस के अपने बेटे को 25 साल के सरकार के हाथों में दे देती है, और जब बेटा शहादत के लिए हो जाता है तब सरकार आके नहीं पूछती। पूछना चाहिए ना, क्या रह गया हमारे लिए, हमारे पास क्या रह गया, जो संपत्ति थी वो तो हम लुटा चुके। इकलौता बेटा था मेरा, बेटी से छोटा था। इससे मैं यही चाहती हूँ, एक तो मेरे बेटे को सम्मान मिले, टेंट के अंदर मेरे बेटे की मूर्ति बनाई जाए, जिससे कि साल में एक बार लोग सम्मान करें मेरे बेटे का, और किसी सड़क को ऐसा नाम दिया जाए जिससे मेरे बेटे के नाम से बस मिले। चाहते हैं कि अगर आप शहीदों का इसी तरीके से अपमान करोगे, ऐसा झूठा राष्ट्रवाद दिखाकर कि 34 दिन बाद शहादत के बाद भी एक लेफ्टिनेंट की मां की आंख देखिए किस तरह से सूजी हुई है रोते रोते, और आप में से कोई आदमी इनको देखने के लिए नहीं आता, एपीएस यहां पर आगे आ जाओ, इनसे पूछते।